जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों को और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह के मैं तैयार तो हो गया हूँ, थोड़ा आज ठंड लग रही थी और काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो इस करके अब क्या करते हैं कि चलते हैं। अब हमारी थाली भी आ गई है और रोटी खाएंगे, रोटी खाने के बाद ड्यूटी पर चलेंगे। इसके पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि आज सुबह सुबह ना बारिश हुई थी बहुत तेज़ वाली सी और गड़गड़ गड़गड़ सी करने लगी थी। तब से जगे हुए हैं, अभी तक जगे हैं, वैसे दिन भर भी जगे रहेंगे, कोई बात नहीं है। तो आप लोग कैसे हो, स्वस्थ होंगे तो ज़रूर होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले हम खा लेते हैं रोटी, इसके बाद बात करते हैं कि क्या होता है, क्या करना होता है और ड्यूटी की तैयारी धीरे धीरे कर लेते हैं, और ड्यूटी की तैयारी हो भी रही है। चलिए रखते हैं। वहाँ से लेके पानी यहाँ तक भरा हुआ है, आऊँगा कैसे मैं, हैं? इतना पानी भरा हुआ है, देख लो ना। ये मैंने बूट यहाँ निकाल दिया हुआ है, देखो मेरे पैर ऐसे ही पड़े हुए हैं यार। इतना पानी कहाँ कोई लेके जाएगा। ये देखो, आप फोन पे फोन करी जा रहे हो, हैं? इतना पानी है, उधर देख लो कितना पानी है, वो देखो। पहले फिर बूट निकाला, फिर इसके बाद अब देखता हूँ कैसे आना है, फिर आऊँगा, ऐसे नहीं आऊँगा, ठीक है? ये देखो, ये हाल तो पानी का है, वहाँ पेट्रोल पंप से लेके यहाँ वहाँ कहाँ तक जाएगा, मेरे को लगता है मेन कैलाश नगर तक जाएगा। ये हाल एक सामने खड़े हैं ना, ये भी जाने के लिए ही परेशान है। भाई साहब रुक जाओ थोड़ी देर तक, इसके बाद ये देखो भाई, इतनी नदी भरी पड़ी है, ये देख लो कैसे ऑटो आ रहे हैं। ये गाड़ी वाले तो हमें और भी नंगा करके मार रहे हैं यार, क्या करें इनका, ये गाड़ी वालों की तो भाई साहब की तो देखो, ये पानी लोग छिटका देते हैं हमारे ऊपर, ऐसे करता है। वहाँ भी देखिए इतना सारा बना हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है, यहाँ भी करने के बाद ऐसे हो रहा है, और ये देखिए यहाँ भी तो इतना हाल है ना यार, कि अपना आने का तो मन कर रहा, अपना बूट तो मैंने यहाँ निकाल के रखा है, मेरा पैर यहाँ, ये पौड़ी पहली बनी है, इस पर भी पानी चढ़ जा रहा है। ये देखिए, ये तो हाल है, इतनी सी गंगा बह रही है। इनका क्या करोगे आप, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा, पर ड्यूटी तो करनी है, चलते हैं हम भी ड्यूटी के लिए ही यार। इतना मुश्किल से तो ये देखो बैग को कैसे मैंने कवर किया हुआ है, कवर करके बैग को ऐसे लेके आया हुआ है, सारा छीका गया हुआ है यार। इतना पानी जाम हुआ है कि मैं खुद नहीं बता सकता कितना पानी जाम हुआ है, दिखाऊंगा वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, देखेंगे वीडियो तो होंगे ही है। किशन हलवाई के पास आया मैंने, यहाँ से फिर जूता वूता अपना बदला, हाथ आज आ गया हूँ अंदर, चल के देखता हूँ किधर हैं, कौन से भाई हैं, कौन से नहीं हैं, पहले ये देखता हूँ। एक मशीन इधर से चली गई, एक इधर से चली गई मशीन। हाँ छोटू, रॉबिन, यहाँ बड़ी देर होने के बाद यार देखो, हमने आज कांड ही हो गया यहाँ से, तो एक मशीन इन्होंने गायब ही कर दिया। ये देखिए दोस्तों, आज एक मशीन चली गई है, अब यहाँ देखते हैं क्या होता है, बाकी तो ठीक ठाक है, और मिल लेते हैं पहले फटाफट। ये भी चल रही है मशीन, ये भी मशीन चल रही है इधर, और इधर क्या है कि ये भी मशीन चल रही है, मशीनें तो फिलहाल चल रही है, कहाँ वो ये तो पता नहीं, ऊपर है ऊपर, रॉबिन भी कहाँ है, मास्टर जी भी नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जब में सारा कुछ ओके बन रहा है, जब सारा ओके बन रहा है और इस मशीन को चेक कर लेते हैं। क्या हुआ, यानी आप हमसे बोल रहे थे कि मैं बूट नहीं पहन के आया हूँ, जबकि आप भी बूट पहन के आए, भीगा हुआ बूट सा सुखाए हैं, देख लीजिए इतने बड़े फ्रॉड हमसे काम कर गए थे। हम क्या यार, बूट पहन के तो आए थे, चलिए कोई बात नहीं है, लगे रहो, इधर सही बन रहा है ना, चलो इधर भी सही बन रहा है, ये थोड़ा सा आ गया था ना ये वाला, चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल तो ओके, सारी मशीनें चल रही हैं। और क्या हुआ है कि आज एक मशीन यहाँ से बाहर दूसरी जगह चली गई, तो इधर का जगह खाली हो गया, यहाँ से मशीन दूसरी जगह चली गई है, तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी तरह मार है, एक यहाँ पर चला है, ये
रेनबो, दूसरा चल तीसरा चला ये हेयर, यानी कि हेयर ही मारा है, हेयर का ही फ्लोट है, हेयर का फ्लोट है। हेयर एक बार चेक कर लेते हैं, किधर नीचे कर देते हैं, हेयर का ही हो सकता है, हेयर का थोड़ा सा करो, ये पीछे से ना उठा हुआ है और आगे से ऐसा करते, ऐसे कर देते थोड़ा सा, ऐसे फिटर में बैलेंस है, हाँ फिटर में बैलेंस है, हो जाएगा ओके। ये देखिए दोस्तों, ये फिटर थोड़ा सा ऊंचा है, अभी ये मास्टर जी करेंगे इसकी सेटिंग, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मास्टर जी सेटिंग कैसे करते हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा, ऐसे सेटिंग होती है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिसका फिटर पेचकस से ठीक करने वाला होता है वो पेचकस से ठीक कर ले, और जिसका फिटर एल की 3 नंबर लगता है उससे ठीक करने वाला हो वो ठीक कर ले, क्योंकि ये फिटर थोड़ा सा ऊंचा हुआ था इस करके, ये देखिए ऊंचा आपको दिख जाएगा, ऊंचा है इस करके वो मार रही थी। और इसको हम चेक करने के लिए क्या लगा रहे हो भाई, ज़रा देखें हम भी, हाथ उठाओ। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों को दिखा भी दिया कि 1 का सिक्का या 2 का सिक्का से चेक कर लेते हैं, फिटर नीमा हुआ ना थोड़ा सा नीमा हुआ है, तो अब इसको टाइट करके हम बराबर बिल्कुल सेंटर में फिटर गिरना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो ये देखिए पूरा बिल्कुल एक्यूरेट क्लियर हो गया, और इसका धागा जो है बिल्कुल सेंटर में गिर रहा है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से नहीं तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर पता लग जाएगा, और बिल्कुल ये देखिए सेंटर में गिर रहा है, और दोनों तरफ से सुई ओके, और दोनों तरफ से सुई ओके। अब इसके बाद हम चलाएँगे मशीन को, तो चलिए दोस्तों धीरे धीरे अपना टाइम भी हो गया है, और यहाँ नाइट और डे दोनों बंदे हमारे साथ मिल गए हैं, नाइट वाले भाई साहब काम समझ रहे हैं और डे वाले भाई साहब समझा रहे हैं, यही ना। अच्छा अब हम चलते हैं घर को, और सभी लोगों को हमारा काम कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, और उससे पहले हम मिल लेते हैं इन भाई साहब से। ठीक हो, बढ़िया, बरसात कैसी रही? अच्छा जो सुबह वाली बिजली कड़की पता लगा? हमें कुछ नहीं पता लगा, हमको 8:30 बजे जब चाय आई तब पता लगा, यहाँ पर तेज करके नहीं पता लग पाया। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए हम आप लोगों से यही कहते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, भैया जानकारी हमें दीजिए, वो हम जानकारी देंगे आप लोगों को, जो नहीं पता है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर के थ्रू जितनी जानकारी होगी कोशिश करेंगे देंगे। और बाकी दोस्तों बाकी तो सब ठीक है, थोड़ा मोड़ा हम भी ठीक हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो को फटाफट जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमें कमेंट भी करिए, और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।